हेलो डियर स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था बिल्कुल लास्ट क्लास में. ओके सॉरी, होमवर्क दिया था मैंने तुम लोगों को ये. सो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक पर्टिकुलर मेथड जो है वो फॉलो करते हैं. सो मेथड विल गो लाइक दिस. इन मेथड स्टेप वन विल बी, यहाँ पे हम लोगों को जेड की पावर 4 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी सब राइट हैंड साइड में ले जाना हो तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1+√3i. अब ये जो राइट हैंड साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे भी करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोगों को कन्वर्ट करना है. तो जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ 1+√3i है तो ये फर्स्ट क्वार्टर में है, तो इसका आर्गूमेंट ऑफ जेड जो कि थीटा है वो कितना होगा, tan−√3/1, मतलब ये होगा π/3. ओके, और अगर हम इसके आर्गुमेंट की बात करें 1+√3i का आर्गुमेंट जिसे मॉड जेड बोलते हैं, तो वो कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 1+3, अंडर रूट 4, मतलब वो कितना आएगा 2. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट, इसी स्टेप की नेक्स्ट लाइन जेड 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2cis, मतलब cos थीटा प्लस आयोडा sin थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है π/3. अगर ये अच्छा नहीं है तो ये तो हम इसको क्या बोलते हैं, पोलार फॉर्म. पोलार फॉर्म को लिखने का एक दूसरा तरीका है. वैसे हम पोलार फॉर्म कैसे लिखते हैं, r cos थीटा प्लस आयोडा sin थीटा. यहाँ में हमने cis लिख दिया, c4 cos s4 sin. ठीक है, अब देखो यही पोलार फॉर्म को क्या भी लिखा जा सकता है, 2e i/θ, जो कि थीटा यहाँ पे कितना है π/3. क्लियर. अब देखो अभी तुम लोगों को यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम जो है वो याद आनी चाहिए. डी मोइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अब हम लोग देखो ये वाला जो है, इसको डी मोइवर्स थ्योरम लगाने से पहले यहाँ पे जो ये आर्गुमेंट π/3 है इसको जनरल बनाएंगे. तो जनरल बनाते हैं हम लोग स्टेप नंबर 2 के अंदर. तो हम लोग ये जेड की पावर 4 इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, 2cis 2k π + π/3. अब ये जनरल क्यों बना रहे हैं, जनरल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि k की लास्ट स्टेप में अलग अलग वैल्यू रखने से हमें z की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी. अब क्योंकि अब हम यहाँ पे दोनों तरफ 1/4 कर देते हैं पावर, तो 1/4 करते हैं, ये हम स्टेप नंबर किसके अंदर करते हैं, 3 के अंदर. तो z इज इक्वल टू, मतलब पावर 1/4 कर दिया या फिर 4 इधर चला गया ऐसा मान लो, तो ये क्या होगा 2 की पावर 1/4. और अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँ कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं cos θ + iota sin θ/n, cos θ + iota sin θ/n, जो हो क्या जाता है cos n θ + iota sin θ. तो मतलब वो थीटा में ही तो मल्टीप्लाई होता है, तो थीटा में यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जो वो पावर में है. सबसे पहले देखो cis ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2k π + π/3, है ना, ये ऐसा कैसे. अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड जो 4 था वो 2 में तो आ गया, इसमें भी तो आना चाहिए, तो चलो ये 1/4 हो गया. अब ये 1/4 जो है, अब इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं स्टेप नंबर 4. अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू 2√1/4, तो एज इट इज़. क्लियर. अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, के की अलग अलग वैल्यू लिख देते हैं, और ये जो 1/4 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको इसी स्टेप में कर देते हैं. देखो या फिर हम एक काम करते हैं, ये स्टेप को यहाँ से उड़ा के ऊपर ही हम लोग इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, पावर 1/4 अंदर ले लो डी माइवर थ्योरम से. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/4, ऐसा कैसा होगा. इस पावर को अंदर लेने का मतलब ये cos θ + iota sin θ लिखा है, तो थीटा में 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और थीटा अब यहाँ पे क्या है, 2k π + π/3. तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, cis of 2k π + π/3 × 1/4. क्लियर, ये सी आई इसके अंदर लिखा हुआ है. अब स्टेप नंबर 4 के अंदर अब हमें कुछ नहीं करना, बस k = 0, k = 1 रखते जाना है. ठीक है, तो k = 0 यूज़ करेंगे, तो z1 हमें इजिकल टू हमें क्या मिलेगा, देखो 2 की पावर 1/4 तो सबके अंदर होगा ही सही, और k = 0 रखने पे ये 2k π 0 हो गया, ये π/3 और 1/4 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, π/12. तो ये हमें पहला मिल गया, cis of π/12, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इस जो यहाँ पे 4 आंसर आने वाले हैं उसमें से z1 हमें मिल चुका है. इसी तरीके से k = 1 रख के हम लोग z2 निकालेंगे, तो z2 = क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/4, अगेन वैसा का वैसा ही. अब क्या हो जाएगा, ये cis अगेन, यहाँ पे अगर मैं k की जगह 1 रख रहा हूँ तो ये 2π + π/3,
टू पाई प्लस पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा, टू पाई जब थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स पाई प्लस पाई, मतलब सेवन पाई बाई थ्री। सेवन पाई बाई थ्री को जब हम वन बाई फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, सेवन पाई बाई ट्वेल्व। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हम k इज इक्वल टू रखने वाले हैं टू, और ये जितने भी हम लोग यहाँ पे आर्गुमेंट लिख रहे हैं इसकी वैल्यू पाई से ऊपर भी चली जाएगी। इसका मतलब हम अब जो आंसर लिख रहे हैं उसके अंदर हम लोग लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट लिख रहे हैं। ओके ओके नेक्स्ट, तो जेड थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, टू की पावर वन बाई फोर, तो एज इट इज सबके अंदर रहेगा, ये हो जाएगा सी आई एस ऑफ थर्टीन पाई बाई ट्वेल्व। एंड लास्ट स्टेप इज k इज इक्वल टू हमें क्या रख देना है, थ्री। तो k इज इक्वल टू थ्री रखने से क्या मिलेगा हमें, जेड फोर इज इक्वल टू टू रेस टू वन बाई फोर सी आई एस ऑफ नाइनटीन पाई बाई ट्वेल्व। ठीक है, यहाँ पे हमने k इज इक्वल टू थ्री रखा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिक्स पाई प्लस पाई बाई थ्री जो कि हो गया नाइनटीन पाई बाई थ्री। नाइनटीन पाई बाई थ्री को अगर हम वन बाई फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइनटीन पाई बाई ट्वेल्व आएगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हो गया फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वाला। अब हम लोग फाइंड करेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ जेड या फिर फाइंड जेड हैविंग लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट का मतलब पता है ना तुम्हें, जिसमें आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू जीरो से टू पाई के बीच में हम कंसिडर करते हैं। हमें ये फाइंड करना है जिसके अंदर ये कंडीशन भी रहे, सच दैट टू माइनस थ्री आयोडा, टू माइनस थ्री आयोडा जेड रेस टू सिक्स प्लस वन प्लस फाइव आयोडा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम वैसे तो इस जेड, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जेड हो सकते हैं सिक्स हो, पर हमें वो फाइंड करना है जिसमें लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट हो। लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट का मतलब ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ भी है अगर हम जीरो से टू पाई के बीच वाला चक्कर देखते हैं तो सबसे पहले हमें कहाँ वो दिखाई देगा, वो होता है लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। ठीक है, मतलब जो आर्गुमेंट है उसकी मिनिमम वैल्यू की हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको लेफ्ट में लिखते हैं, टू माइनस थ्री आयोडा जेड की पावर सिक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, अगर ये जो है राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर थ्री आयोडा माइनस टू, ओके चलो कोई बात नहीं, तो हाँ ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस फाइव आयोडा। ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जेड की पावर सिक्स इज इक्वल टू वी कैन राइट वन प्लस फाइव आयोडा डिवाइड बाय, अब यहाँ पे क्या था टू माइनस थ्री आयोडा था ना, चलो माइनस को यहीं रहने दो, अब डिवाइड में क्या चला गया टू माइनस थ्री आयोडा। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू प्लस थ्री आयोडा से मल्टीप्लाई एंड टू प्लस थ्री आयोडा से ही डिवाइड। ठीक है, तो ये जेड की पावर सिक्स हुआ, तो जेड की पावर सिक्स, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हम लोगों को ये जेड की पावर सिक्स मिलेगा वन माइनस आयोडा। अब सबसे पहले वन माइनस आयोडा जो है ना उसको देख लो कि वो है क्या, इधर देख लेते हैं हम साइड में, तो है वन माइनस आयोडा। ठीक है, तो वन माइनस आयोडा का मतलब ये कौन से क्वार्टर में है, ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये फोर्थ क्वार्टर में है, तो थीटा जो भी आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू अगर मैं टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन वन करता हूँ तो यहाँ से तो मेरे पास मिलता है पाई बाय फोर, पर इसका जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है जो प्रिंसिपल वैल्यू वो कितनी होगी, माइनस पाई बाय फोर। ये बात तुम्हें आनी चाहिए अब तक इतना पढ़ने के बाद, ये फोर्थ क्वार्टर में है तो यहाँ पे माइनस थीटा हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, और अगर हम मॉड जेड की यहाँ पे बात करें, इस वाला, इसको मैं जेड मान रहा हूँ, ये वाला जेड, यहाँ पे जेड जो है वो मत मान लेना तुम्हें ना, या फिर ये जेड चलो लिख ही दिया आप, तो वन माइनस आयोडा का मॉड, तो ये कितनी वैल्यू देगा हमें, अंडर रूट टू। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारा सॉल्यूशन आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो जेड की पावर सिक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू की पावर वन बाई टू, टू की पावर वन बाई टू तो ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, एंड सी आई एस ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा के अंदर थीटा हमने निकाल लिया है जो कि माइनस पाई बाई फोर है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस पाई बाई फोर लिखो या कॉस पाई बाई फोर लिखो, बात एक ही है, और साइन का क्या होता है बाहर आ जाता है। ठीक है, अच्छा सी आई एस फॉर्म है तो ये कॉस और साइन अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अंदर की तरफ क्या लिख देते हैं, माइनस पाई बाई फोर। अब हमें एक बात तो पता है कि हम इसको जनरल वैल्यू लिखेंगे, तो टू एन पाई या टू के पाई प्लस
थीटा, और वो थीटा कितना है माइनस पाई बाय फोर। ठीक है, अब यहाँ पर डी मॉइवर्स थ्योरम लगाओ, ये सिक्स को यहाँ पर लेकर आओ, तो जेड इजिकल टू क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं हम टू की पावर वन अपॉइंट, जो टू था ना वो कितना हो जाएगा वन अपॉइंट ट्वेल्व, और ये हो जाएगा आप सी आई एस टू एन पाई माइनस पाई बाय फोर इन टू वन अपॉन सिक्स, और ये सिक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर जो है थीटा में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं हमें निकालना क्या है फॉर लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट वाला जेड, तो उसके लिए हम के इजिकल टू कितना रखेंगे, मतलब एन यहाँ पे है ना, तो एन इजिकल टू अगर मैं जीरो रखता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर वन रखते हैं वन तो यहाँ जीरो रखने से ये नेगेटिव आ जाएगा। लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट की एक स्पेशलिटी, वो जीरो से टू पाई के बीच में होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए के एन इजिकल टू हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा वन। अब एन इजिकल टू वन यहाँ पर रख लो तो ऑटोमेटिकली हमें जेड मिल जाएगा टू की पावर वन अपॉइंट ट्वेल्व सी आई एस ऑफ, है ना, एन इजिकल टू वन, एन इजिकल टू वन का मतलब है टू पाई माइनस पाई बाय फोर, और बाद में वन बाय सिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये फोर इधर मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा एट, एट माइनस वन तो ऊपर हो जाएगा सेवन पाई बाय फोर, और फोर जब सिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या देगा सेवन पाई बाय ट्वेंटी फोर, तो फाइनली हमारा जेड इजिकल टू कितना है टू की पावर, टू की पावर वन अपॉइंट ट्वेल्व सी आई एस ऑफ सेवन पाई बाय ट्वेंटी फोर, क्योंकि ये फोर और सिक्स मल के क्या बन जाएंगे ट्वेंटी फोर बन जाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ा मेथड यही पर पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो फाइंड द नंबर ऑफ जेड, मतलब मैं फाइंड करना है ऐसे कितने जेड हो सकते हैं विद रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन जेड रेस टू ट्वेल्व और सॉरी जेड रेस टू टेन प्लस माइनस टू प्लस आयोडा जेड रेस टू फाइव माइनस टू आयोडा, है ना। अब ये जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, ये थोड़ा मतलब जेई मेंस से ऊपर और एडवांस के इक्वल या एडवांस से थोड़ा नीचे, मतलब लेवल तुम मान सकते हो। ठीक है ना, अब देखो जेड की पावर टेन है तो ऑब्वियसली जेड की कितनी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वैसे तो दस वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, है ना, पर हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने हैं दस में से जिसका रियल पार्ट क्या हो ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो जो स्टेप अभी हमने दो क्वेश्चन के अंदर सीखी है वो यहाँ पे तुम वीडियो पॉज करके अपने आप एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, फिर तुम सी आई एस करके के इजिकल टू जीरो वन टू थ्री नाइन तक रखोगे तो जितनी भी वैल्यू रखने वाले हो उन वैल्यूज़ में देख लेना कि किसके अंदर रियल पार्ट, रियल पार्ट मतलब क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा जीरो मतलब कॉस थीटा क्या आ रहा हो पॉजिटिव। अब कॉस थीटा तुम्हें भी पता है कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो चलो जेड की पावर क्या दिया हुआ है हमें टेन, तो अगर हम एक काम करते हैं यहाँ पे इसको, है ना, इसको यहाँ पे हम अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी जेड की पावर टेन माइनस टू जेड की पावर फाइव प्लस जेड की पावर फाइव आयोडा माइनस टू आयोडा इजिकल टू जीरो। अब यहाँ से जेड की पावर फाइव कॉमन आ रहा है, जेड की पावर फाइव कॉमन आने के बाद अंदर क्या बच रहा है जेड की पावर फाइव माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ से आयोडा कॉमन ले लो प्लस आयोडा, जेड की पावर फाइव माइनस टू इजिकल टू जीरो, तो आई थिंक फैक्टर बन गया यहाँ पे, है ना, तो जेड की पावर फाइव माइनस टू एंड जेड की पावर फाइव माइनस आयोडा, नहीं सॉरी प्लस आयोडा इजिकल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब वो दो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, एक तो हम लोगों को क्या मिल रहा है जेड की पावर फाइव इजिकल टू टू, और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं जेड की पावर फाइव इजिकल टू माइनस आयोडा। तो सबसे पहले ये जो टू है ना, इस टू को हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो जेड की पावर फाइव इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं टू का अगर मैं मॉड निकालो तो टू आगा। अब ये तो एक पॉजिटिव रियल नंबर है जिसका आर्गुमेंट की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सी आई एस ऑफ टू के पाई प्लस जीरो, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब जेड इजिकल टू यहाँ, ओ सॉरी ये फोर कैसे हो गया, ये फाइव है, तो जेड इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं टू की पावर वन अपॉइंट फाइव सी आई एस ऑफ टू के पाई डिवाइड बाय फाइव। ओके, ये एक आंसर आ चुका है, अब यहाँ से क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जेड की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस आयोडा। तो इसका जो मॉड जेड है, मॉड इसका आर्गुमेंट, इसका सॉरी मॉड्यूलस, वो तो 1 है, और माइनस आयोडा मतलब इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है वो -π/2 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सी आई एस ऑफ -π/2 और 2kπ ऐड कर दो जनरल बनाने के लिए। अब 5 को यहाँ पर लेकर आओ, तो जेड इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हम लोगों ने, तो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 1 की पावर 1/5 तो 1 ही रहेगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, सी आई एस ऑफ 2kπ -π/2 डिवाइड बाई 5 या इंटू 1/5, या तो इंटू 1/5 करो या फिर क्या करो 1/5 से मल्टीप्लाई या फिर 5 पूरा का पूरा डिवाइड। अब हमें पता है इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए फॉर रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0 वाला जो कॉस वाला जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने हैं जिसके अंदर रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो ग्रेटर देन 0। लिख दिया क्या मैंने, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन के अंदर लेस देन 0 है, कोई बात नहीं, लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो दोनों ही केस में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं चेंज कर देता हूँ, ये ग्रेटर देन 0 होगा तो अलग आंसर होगा और लेस देन 0 होगा तो अलग आंसर होगा। जो 10 में से लेस देन 0 के लिए जो मैं आंसर लिखा रहा हूँ उसके अलावा जो बचे होंगे वो ग्रेटर देन के लिए होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम k की वैल्यू रखेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ पावर 1/5 है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को k रखना है 0, k की वैल्यू रखनी है 1, k की वैल्यू रखनी है 2, k की वैल्यू रखनी है 3 और k की वैल्यू रखनी है 4। अब देखो 0 है ना, यहाँ पे तुम इमेजिन करके देख लो, जैसे मान लो तुम लोगों ने यहाँ 0 रख दिया, रखा 0, तो ये क्या हो गया सी आई एस ऑफ 0। तो रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मतलब कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, हमें तो नेगेटिव चाहिए इसलिए मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 1 की बात करते हैं, अगर वहाँ यहाँ तुम 1 रखोगे तो ये 2π/5 हो गया, तो 2π/5 में भी क्या हो जाएगा, ये 2π/5 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, हमें तो नेगेटिव चाहिए तो 1 को भी हटा दो। तो इस तरीके से 2 से और 3 से हम लोगों को नेगेटिव मिलेगा और 4 से भी हम लोगों को दोबारा पॉजिटिव मिल जाएगा। तो इसका मतलब दो वैल्यू हम लोगों को k की 2 और 3 यहाँ पे रखने से मिलेगी, k की वैल्यू 2 और 3 से दो वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी k इज इक्वल टू हम कितनी वैल्यू रखेंगे, 5, क्योंकि z की पावर 5 के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, समझ, ऐसा समझना है ये tan है, 5 वैल्यू इधर से मिलेगी, 5 वैल्यू इधर से मिलेगी, टोटल हम लोगों को 10 वैल्यूज़ मिलने वाली है, बट 10 वैल्यूज़ में से इस बात को भी सेटिस्फाई कौन सी वैल्यू करेगी, तो वो k इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 रख के पता लगेगा ना। 0 रखेंगे हम, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं और 4 रख सकते हैं। अब जैसे मान लो k बराबर तुम 0 रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 रखने से ये कितना मिल गया, सी आई एस ऑफ -π/2/5 मतलब -π/10। अब माइनस कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और पाई बाई टेन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो नेगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पे क्रॉस। इसी तरीके से 1 पे भी हमें नहीं मिलेगी, 1 पे भी पॉजिटिव मिलेगी, 2 और 3 पे अगेन हम लोगों को क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू, 4 पे दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 2 और 3, k इज इक्वल टू 2 एंड 3 वैल्यू यूज़ करके, और यहाँ से भी k इज इक्वल टू 2 और 3 वैल्यू यहाँ पर रख के, दो वैल्यू इधर से, दो वैल्यू इधर से, तो टोटल हम लोगों के पास कितने नंबर आएंगे, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होंगे इन 10 में से जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे और उनका रियल पार्ट ऑफ जेड भी लेस देन 0 होगा ही होगा। अगर यहाँ लेस देन की जगह जैसे मैंने पहले ग्रेटर देन 0 लिख दिया था, तो इस 10 में से जो बाकी के 6 हैं वो आंसर है। तो अगर ये न्यूमेरिकली टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमारा आंसर 4 की जगह उस केस में हम क्या लिखेंगे, 6। ओके, तो ये था सिंपल सा सेशन हम लोगों का। अब हम इसके बाद वाले सेशन के अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अलग ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अलग ही इम्पोर्टेंट पार्ट कैसे है, जैसे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तुम लोग जैसे पढ़ते हो ना, अल्फा प्लस बीटा एडिशन ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है ए होता है, वैसे ही ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ऐसी टर्म तुम लोगों को 12th क्लास में कहीं पे भी या फिर 11th क्लास के अंदर APGP के अंदर बाइनोमियल थ्योरम के अंदर है ना कहीं दिख सकती है ये। और ओमेगा स्क्वायर लिखने के बाद साइड में ऐसा लिखा होगा, ओमेगा मतलब W और कुछ नहीं, ओमेगा स्क्वायर मतलब W स्क्वायर, तो जब भी W लिखा होगा और साइड में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी कि भाई ये W रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
तो हम उसको ओमेगा मानेंगे। ओमेगा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन के बाद देखेंगे, तो उसको बहुत ध्यान से देखना तुम लोग, ठीक है। वो तो अभी तक का कोई डाउट हो तो पूछ लेना व्हाट्सएप या फिर ऐप पे,